हेलो एवरीवन, दिस इज मन मोहन तिवारी एंड यू आर वाचिंग योर चैनल फिनेंशियल पंडित। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आया हूँ। देखो आज मैं क्या बात करूँगा, आज जो है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहा हूँ, जो सेबी का यहाँ पे रूल चेंज हुआ है। आज जो पूरे यहाँ वीडियो में जो हेडलाइन होगा उसके बारे में बता दूँ, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का अब नया स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में बात करेंगे, जो सेबी का यहाँ पे नया स्ट्रक्चर है। उसके साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि अब इन्वेस्टर के लिए कितना फायदे का सौदा है, और अगर नुकसान भी होगा तो इन्वेस्टर के लिए क्या यहाँ नुकसान हो सकता है। उसके साथ साथ अब इंडस्ट्री में क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पे कौन सा स्टॉक्स का सबसे ज़्यादा मूवमेंट होगा वो भी मैं बताऊँगा, और साथ में मैं ये भी आपको बताऊँगा कि अब पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के साथ क्या होगा। तो ये हेडलाइन पूरा मैं आज वीडियो में कवर करूँगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया हो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, तो अभी स्टार्ट करें। और सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा आपका बेस मजबूत कर देता हूँ। अगर मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ये मिक्सिंग है, इट मीन्स कि कुछ हिस्सेदारी यहाँ पे लार्ज कैप का है, कुछ मिड कैप का और कुछ स्मॉल कैप का, यहाँ पे मिक्सिंग आपको देखने को मिलता है। और कुछ परसेंट डेप्थ फंड में भी ऑलमोस्ट यहाँ पे पैसा जाता है। लेकिन 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 जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 65% में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, अभी तक का जो मल्टी कैप का यहाँ पे स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सेबी का जो अब नया स्ट्रक्चर आया है उसके बारे में बात करते हैं। सेबी का जो नया अब स्ट्रक्चर आया है स्पेशली मल्टी कैप के फंड के बारे में, पहले क्या होता था कि 65% मिनिमम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अगर मल्टी कैप फंड है। लेकिन आज के डेट में जो नया यहाँ पे स्ट्रक्चर आया है, जो नया रूल आया है, ये मिनिमम 75% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब फंड मैनेजर को यहाँ मिनिमम 75% इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा जो यहाँ पे आया है, दूसरा जो ये बात निकल के आया है, मिनिमम 25% का मिड कैप का परसेंटेज होना चाहिए, स्मॉल कैप का परसेंटेज होना चाहिए और लार्ज कैप का परसेंटेज होना चाहिए। अगर मैं पूरा इसको सिंपल तरीके से बताऊं तो 25% से कम नहीं होना चाहिए, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो और चाहे वो लार्ज कैप हो। अब एक बात और निकल के आती है, मैक्सिमम 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट हो रहा। तो देखो फंड मैनेजर जब भी यहाँ पे मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का प्रिपरेशन करता है, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड एक तैयार करता है, तो उसके पास फ्रीडम होता है कि वो किसी भी कैटेगरी से स्टॉक्स का सिलेक्शन करके इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जो मिनिमम 65% का क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर देता है। लेकिन यहाँ पे अब जो रूल आ गया है, अब फंड मैनेजर को बहुत सोचना पड़ेगा, जो मिनिमम का क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना पड़ेगा। सेबी का जो ये एलोकेशन है, जो मिनिमम 75% का इक्विटी और 25% का मिनिमम मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में होगा, ये AMC को दिसंबर तक टाइम दिया गया है। क्योंकि आज अगर सेबी रूल निकाल रहा है तो आज ही ये चीज़ें नहीं हो सकती, फंड मैनेजर को टाइम चाहिए, एलोकेशन को चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए यहाँ सेबी ने दिसंबर तक का टाइम दिया है। अब आपके माइंड में ये जरूर क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर सेबी ने ऐसा क्यों किया, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में ये चेंजेस क्यों आए, मिनिमम 25% का क्राइटेरिया क्यों यहाँ पे लेके आए। देखो सबसे पहले अगर एक चीज़ बता दूँ कि आप जो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड देखते होगे उसमें जो मैक्सिमम परसेंटेज होता था वो मैक्सिमम लार्ज कैप का होता था। मैक्सिमम किसका होता था? लार्ज कैप का। बहुत सारे ऐसे मल्टी कैप म्यूचुअल फंड हैं जिसमें 50-60% सिर्फ लार्ज कैप पे फोकस किया है, मिड कैप में 10-15%, स्मॉल कैप में देखोगे तो 2-5% का इन्वेस्टमेंट है। कहने का तो मल्टी कैप है लेकिन सबसे ज़्यादा किस में इन्वेस्टमेंट किया गया है? एग्जैक्टली लार्ज कैप में। बहुत ऐसे मल्टी कैप म्यूचुअल फंड हैं जिसमें मैक्सिमम 80% का हिस्सेदारी लार्ज कैप स्टॉक्स में है। जब 80% का हिस्सेदारी लार्ज कैप स्टॉक्स में होगा तो फिर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या रह जाएगा? सेबी ने इसीलिए यहाँ पे चेंजेस लेके आए हैं कि एग्जैक्टली जो इन्वेस्टर है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि एग्जैक्टली ये लार्ज कैप है या मल्टी कैप है। आप इतना ज़्यादा परसेंटेज सिर्फ लार्ज कैप पे फोकस करके कर रहे हो तो ये तो लार्ज कैप हो गया, लेकिन आप इसे मल्टी कैप म्यूचुअल फंड बता रहे हो सिर्फ स्मॉल कैप में 2% हिस्सेदारी और एलोकेशन करके। तो इसलिए यहाँ पे सेबी ने इस एलोकेशन को यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है और रूल के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे फंड मैनेजर को मिनिमम 25% स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में रखना ही पड़ेगा।
देखो आपके सामने मैं कुछ एक फंड ले आता हूँ, कुछ एक मल्टी कैप फंड ले आता हूँ, और देखो फंड मैनेजर के पास कितना फ्रीडम था, वो सिर्फ कहने को 1 से 2% का हिस्सेदारी और एलोकेशन स्मॉल कैप को देते थे, और यहाँ पे इसको मल्टी कैप फंड बना देते थे। देखो यहाँ पे एक्सिस मल्टी कैप फंड की बात करें तो 79 से 80% लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है। तो फिर ये तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हुआ, ये इसे मल्टी कैप म्यूचुअल फंड हम क्यों कह रहे हैं? और यहाँ पे देखो मिड कैप में सिर्फ 7 से 8% का हिस्सेदारी है, और स्मॉल कैप में 1% से भी कम, 1% से कम है। इट मीन्स कि सिर्फ नाम के लिए, आप सेबी को दिखाने के लिए यहाँ पे सिर्फ स्मॉल कैप का परसेंटेज दिए हो, लेकिन ये तो लार्ज कैप फंड है, या तो लार्ज या मिड कैप फंड है। चलो दूसरा यहाँ पे देखते हैं, कोटेक स्टैंडर्ड मल्टी कैप की फंड की बात करें तो 66 से 67% का यहाँ पे लार्ज कैप में इन्वेस्ट हो रहा है, और यहाँ 22 से 23% मिड कैप में है, और कहने का सिर्फ 1 से 2% यहाँ स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में पैसा ही नहीं लगाया जा रहा है। अगर यहाँ पे तीसरा देखें टाटा मल्टी कैप का, तो टाटा के मल्टी कैप में यहाँ पे देख सकते हो 53% का लार्ज कैप में है, और यहाँ 29 से 30% का मिड कैप में है, और 6 से 7% का स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में भी ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। अगर यूनियन मल्टी कैप फंड की बात करें, यहाँ भी 60% का लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पे 12 से 13% मिड कैप में, और 11 से 12% ऑलमोस्ट स्मॉल कैप में है। ये जितने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है, जो पोर्टफोलियो डिजाइन किया गया है वो लार्ज कैप पे फोकस करके किया गया है। अब लार्ज कैप पे फोकस करके किया गया है तो सेबी का तो दिमाग यहाँ खुली गया। एग्जैक्टली आप लार्ज कैप और मिड कैप क्यों नहीं कहते हो, इसको आप मल्टी कैप क्यों कह रहे हो? तो सेबी ने इसलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर नया तैयार किया है। अब हम बात करेंगे कि इन्वेस्टर को इससे क्या फायदा होगा। देखो इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा फायदा है। पहले क्या होता था कि लार्ज कैप पे फोकस ज्यादा किया जाता था, यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप को थोड़ा सा साइड रखा जाता था कि बस आप 0.1% स्मॉल कैप में दे दो, 2 से 5% मिड कैप में दे दो, हमारा मल्टी कैप फंड बन गया। जब रिटर्न मिलता था तो आपको रिटर्न कैसा मिलता था? रिटर्न आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है उसके बराबर देखने को मिलता था। तो यहाँ पे अब आपके रिटर्न में इजाफा होगा। क्यों? क्योंकि पैसा जो है मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आपका लगेगा। कम से कम 50% तो यहाँ आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट होगा ही। तो जब मार्केट में अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, और जब मिड कैप और स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स है उसमें बढ़त दिखेगी, तो आपके पोर्टफोलियो में भी तेजी आएगा, और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे होगे वैसे फंड में तो आपको रिटर्न भी उससे ज़्यादा देखने को मिलेगा। आज के टाइम में जो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है उसमें कुछ खास रिटर्न नहीं है, एक्सेप्ट पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो ज़्यादा रिटर्न नहीं है, क्यों नहीं रिटर्न है? क्योंकि ज़्यादा फोकस सिर्फ लार्ज कैप पे है। यहाँ पे जब मिड कैप और स्मॉल कैप पे फोकस होगा तो रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा। अब दूसरा देखो क्या बेनिफिट होगा। देखो मल्टी कैप क्या कहा जाता था कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है, आप 1% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में वो लार्ज कैप है ना। अब हम जब भी मल्टी कैप का नाम सुनते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अगर हमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का सिलेक्शन करना है तो क्यों ना हम मिक्सिंग करके एक मल्टी कैप ले लें, हमारा फंड डाइवर्सिफाई हो जाएगा, हमारा फंड डाइवर्सिफाई हो जाएगा। लेकिन हम ये सोच के ले रहे हैं, लेकिन उसके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स का सिलेक्शन है उसमें कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं। इट मीन्स कि 70 से 80% लार्ज कैप में, तो आप यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हो। लेकिन अब जो क्राइटेरिया है, जब और सेबी का जो यहाँ पे एलोकेशन का रूल है, अब आप पूरा जब भी अब मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। यहाँ परसेंटेज वाइज जो मिड कैप है स्मॉल कैप का परसेंटेज है, इससे आपका जो पोर्टफोलियो में है थोड़ा सा बैलेंस दिखेगा। लेकिन अब इन्वेस्टर के लॉस क्या है, इन्वेस्टर के लिए क्या प्रॉब्लम है जो ये मल्टी कैप का जो स्ट्रक्चर हुआ है, नया एलोकेशन का स्ट्रक्चर है सेबी के साइड से? देखो इन्वेस्टर के लिए प्रॉब्लम है कि जब मल्टी कैप का फंड यहाँ पे चेंज हुआ है, जब मिड कैप और स्मॉल कैप पे यहाँ पे 50% का फोकस है, तो रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। जो अभी करेंट रिस्क है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के साथ, उससे कहीं ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में जितने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है उसमें जो हिस्सेदारी देखोगे मिड कैप और स्मॉल कैप में, कहने का मतलब यहाँ से 12 से 25% के बीच में है। लेकिन जब आने वाले टाइम में दिसंबर के बाद का अगर हम बात करें तो 50% मिड और स्मॉल कैप में होगा, तो रिस्क भी
उसके चलते इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इन्वेस्टर के लिए लॉस है थोड़ा, इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग अगर सोचे तो ये नुकसान है। तो अगर आप अगर आगे आने वाले टाइम में मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिस्क का ग्रेड को समझ के ही इन्वेस्ट करें। लेकिन इंडस्ट्री इफेक्ट की बात करें, देखो अब यहाँ पे मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में इतना लार्ज कैप में पैसा लगा हुआ है, अब सेबी का जो रूल आया है कि यहाँ पे आपको इतना परसेंटेज जो आप लार्ज कैप में लगाए हो वहाँ से पैसा आपको निकालना पड़ेगा। अब देखो क्या यहाँ पे सिनेरियो चेंज होगा, लार्ज कैप से पैसा निकलेगा और मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में पैसा लगेगा। अब जब लार्ज कैप के स्टॉक से पैसा निकलेगा तो जो लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का, उसमें थोड़ा सा गिरावट देखा जा सकता है। और ठीक इसके अपोजिट साइड में जो मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा वेटेज मिड कैप और स्मॉल कैप में दिया जाएगा, वैसे स्टॉक्स में तेजी देखा जाएगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 35 से 40 हजार करोड़ लार्ज कैप स्टॉक से निकल के और मिड कैप और स्मॉल कैप में यहाँ इन्वेस्ट होगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, जो मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सबसे हाईलाइटेड स्टॉक्स हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के, उसमें अब पैसा इन्वेस्ट होगा, उसमें अब इन्वेस्टमेंट होगा और वैसे स्टॉक्स में तेजी देखा जाएगा। और लार्ज कैप में जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है वहाँ से अगर पैसा निकलेगा तो थोड़ा सा गिरावट दर्ज किया जा सकता है। लेकिन अब बात यहाँ पे ये निकल के आता है कि पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के साथ क्या होगा, क्योंकि देखो इसका जो है 33 से 34% इंटरनेशनल स्टॉक्स में पैसा लगा हुआ है। अब ये किस कैटेगरी में आएगा, ये किस कैटेगरी में आएगा, क्योंकि जो इसका इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, जो स्टॉक्स का इन्वेस्टमेंट है वो अमेजोन में इन्वेस्ट किया हुआ है, यहाँ पे फेसबुक में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वैसे स्टॉक्स को किस कैटेगरी में रखा जाएगा। अभी तक सेबी का कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के जो स्टॉक्स हैं, जो इंटरनेशनल स्टॉक्स हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ चेंजेस करने को लेके। तो यहाँ पे अब आगे देखना है कि पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का जो एलोकेशन है, जो यहाँ पे एलोकेशन है, वो कैसे फिट बनता है ये सेबी के रूल के साथ। अभी तक सेबी का कुछ भी पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और स्पेशली इंटरनेशनल स्टॉक्स पे फोकस करके कुछ न्यूज़ नहीं आया है, लेकिन आने वाले टाइम में हमें देखना पड़ेगा कि पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है। देखो अगर स्ट्रक्चर चेंज होगा, यहाँ पे एलोकेशन का चेंजेस देखने को मिला पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में, तो रिटर्न में भी आपको इफेक्ट दिखेगा। इस म्यूचुअल फंड में रिटर्न क्यों है, इस म्यूचुअल फंड में रिटर्न इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल स्टॉक्स इसके पोर्टफोलियो में है। अगर इसके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को हटाया गया तो यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न तो नहीं लेकिन कम रिटर्न देखने को मिलेगा। हालांकि मेरे को पूरा विश्वास है कि सेबी यहाँ पे ऐसे म्यूचुअल फंड को कुछ चेंजेस नहीं करेगी, क्योंकि जो उसका क्राइटेरिया है यहाँ पे जो फुलफिल हो रहा है, जो लार्ज कैप का वो फुलफिल हो रहा है, लेकिन सिर्फ मिड और स्मॉल कैप का यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा, जो इसे फुलफिल करना पड़ेगा। और यहाँ जो इंटरनेशनल स्टॉक्स में पैसा लगा हुआ है शायद थोड़ा कम करना पड़ेगा इस एलोकेशन को, और तब जाके ये फिट बनेगा। लेकिन देखते हैं पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में होता क्या है। दिसंबर तक टाइम है और दिसंबर के बाद जनवरी में आपको नया यहाँ पे एलोकेशन देखने को मिलेगा मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के साथ। तो इस वीडियो से रिलेटेड, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अगर कुछ भी न्यूज़ हो या आपको लगता है कि कुछ क्वेरी बच गया हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आके क्वेरी जनरेट कर सकते हो। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो अभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।